बीती रात बदायूं जनपद की तहसील दातागंज के ग्राम जाटी में भीषण आग लगी, जिससे दो दर्जन परिवारों के घरों का सामान जलकर खाक हुआ है। आपको बता दें, ये आग पड़ोस में बने मंदिर पर हवन से लगी, जहां उस हवन की चिंगारी जाकर पड़ोस के घर पर गिरी, जिससे आग तेज हवाओं के चलते दूर दूर तक फैल गई, जिससे दो दर्जन घरों में पहुंच गई और जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। लाखों का नुकसान सह रहे एक ग्रामीणों ने जब कॉल अग्निशमन को की तो आग बुझने तक अग्निशमन की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। लोगों ने आपसी सामंजस्य से ही आग पर काबू पाया। आपको बता दें, तहसील प्रशासन की ओर से कानून गो मौके पर पहुंचे, लेकिन तहसील के लेखपाल अभी तक गांव में नहीं पहुंचे हैं, ना ही अभी तक कोई राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें, गांव के तेजराम साख के, गोकरण साख के, सुखराम साख के, नरेश साख के, महावीर साख के, ओमकार, रघुवीर, रामचंद्र, मनोज, चरण सिंह, नन्नकू, गिरंद, धीरपाल, सुरेश साख के, सोनेलाल, रसपाल धोबी, सुरेश, सोनेलाल, श्याम सिंह धोबी, अमरपाल, अजयपाल, जयवीर, राजपाल, ओमपाल, रणवीर, नारद, सचिन, चंद्रपाल आदि के घरों में ये भीषण आग से काफ़ी नुकसान हुआ है। आग से पीड़ित परिवारों ने सरकार और प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा की है, गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में मेरे लिए जो भी सहयोग सरकार और प्रशासन कर सके, बहुत बड़ा सहयोग होगा। इस सरकार पर निर्भर है कि वो मेरा क्या सहयोग कर सकती है। आपको बता दें, जाटी गांव के किनारे स्थित इस मंदिर पर रामनवमी का हवन चल रहा था। हवन के दौरान तेज हवाओं के चलने से यहां से चिंगारी उठी और गांव की कई झोपड़ियों पर जा गिरी और जलकर खाक हो गई। वैसे तो गांव के लोग आग लगने का स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहे हैं। नाम बताया? नरेश। कौन सा गांव है? जाटी। जाटी कौन सी ग्राम पंचायत में लगती है? गुंडी। ग्राम पंचायत ये जाटी है। ब्लॉक उसावा। ये किस तरह से आग लगी, किस समय लगी? कितने घर जले होंगे? कितने घर जले होंगे? आपका क्या नुकसान हुआ? कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? 3 लाख रुपए नीचे ना होगा। अच्छा, किसी तरह का और किसी को जलने से या किसी से किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, और कोई नहीं। बजरों माल सवाएंगे, माल जले तो माल उठाएंगे। तो आदमी बच्चा नहीं जला है। क्या आपने सूचना दी थी 108 नंबर पे अग्निशमन के लिए? गाड़ी आई आगे बुझी तब। अच्छा, कितने समय में आई गाड़ी? थाना अध्यक्ष वगैरह मौके पर आ गए थे? तहसील प्रशासन आ गया था। अच्छा।